आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ इंडिया ट्रूप, सच्चाई का साथी। स्वागत है आपका न्यूज ऑफ इंडिया ट्रूप में। इस वक्त मौजूद है देश की राजधानी दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने। आप देख रहे हैं, हम कैमरा पर्सन से दिखाएंगे कि दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बिल्कुल सामने आईटीओ पर, जहां पर हम आपको बता दें के बीते महापर्व पर जो एक बड़ा मामला हुआ था, उस बड़े मामले को लेकर अभी तक कंट्रोवर्सी नहीं रुकी है। जी हाँ, 30,000 के अंदर एक मामूली से विवाद को लेकर, एक मामूली सी बात को लेकर एक बड़ा विवाद फैल गया। हम आपको बता दें कि महज पार्किंग में गाड़ी लगाने की वजह से ये विवाद शुरू हुआ था पुलिस और वकीलों के बीच में, लेकिन ये विवाद इतना बढ़ जाएगा किसी को अंदाजा नहीं था। उसके बाद ये विवाद घमासान बदल गया और बदलने के बाद लगातार यहाँ पर कंट्रोवर्सी चल रही है। हम आपको दिखाते हैं कि हज़ारों की संख्या में यहाँ पर पुलिसकर्मी जो है धरने प्रदर्शन पर बैठ गए हैं और एक बड़ी डिमांड है, एक जस्टिस की जो है न्याय मांग रहे हैं कि आखिर पुलिस यदि वर्दी ही सेफ नहीं रहेगी तो फिर आम जनता कैसे सेफ रहेगी, एक बड़ी उनकी बात है। और इसी को लेकर हम पहुँचे हैं यहाँ पर अपनी टीम के साथ और आपको लगातार दिखा रहे हैं कि अभी भी जो है लगातार यहाँ पर पुलिस की भीड़ है, पुलिसकर्मियों की भीड़ है, जिसके अंदर कांस्टेबल से लेकर आला अधिकारी सभी लोग इसमें शामिल हैं और एक बड़ी यूनिटी हिंदुस्तान के अंदर पहली बार पुलिस वालों की देखने को नज़र आई है। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं लगातार यहाँ पर कि अभी दिल्ली पुलिस की जो यहाँ पर बिल्कुल एक धरना देके बैठ गए हैं और यहाँ पर आला अधिकारी कहाँ से हैं सर? पुलिस फैमिली से। पुलिस फैमिली से आप फैमिली से या आप भी खुद में जॉब करते हैं? वाइफ है। आप यहाँ पे सपोर्ट में खड़े हुए हैं, पहली बार इतनी बड़ी यूनिटी दिखाई जा रही है पुलिस के पुलिसकर्मियों द्वारा, आपको क्या लगता है जैसे अधिकारियों से जो आश्वासन मिला कि सर जो इतने लोग इकट्ठा हो गए, आधी लड़ाई तो हम जीत चुके हैं, आधी लड़ाई लड़के जीतेंगे। जी आधी लड़ाई आप जीत चुके हैं। हाँ। सर मेरा सवाल यह है कि जो अभी अधिकारियों ने आज शाम 4 बजे तक जो आपने आपको जो राइट्स के अकॉर्डिंग आपको आश्वासन दिया है, वो क्या आश्वासन दिया है और कितनी उम्मीदें लग रही हैं? जब तक रिटर्न में या कार्रवाई नहीं होगी ना, तब तक हम हटेंगे नहीं यहाँ से। कितने लोगों और इकट्ठे होंगे? पूरी फैमिली बुला लेंगे, गाँव से भी आ जाएंगे और भी सब लोग सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, यूपी पुलिस के भी, हरियाणा पुलिस के भी, हमें सब सपोर्ट कर रहे हैं। यानी जी, और 4 दिन से दिल्ली पुलिस के साथ जो अत्याचार हो रहा है। जी, और क्या नाम है सर आपका? नरेंद्र दत्त शर्मा। जी, और कोई भी राजनीतिक पार्टी पुलिस के फेवर में नहीं बोल रही है, मैं न्याय की बात कर रहा हूँ। इस तिरंगे, ये तिरंगा मेरी जान है और ये तिरंगा जो है ना, केवल जो वर्दी पहनते हैं वही बचाते हैं इस तिरंगे की जान, आन बान शान को। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का देखे, राजनीतिक पार्टी केजरीवाल जी वहाँ 2-2 लाख रुपये देने के लिए पहुँच गए, उनका इलाज फ्री। इन पुलिस वालों को जो 24 घंटे रोड पर रहते हैं, जिनकी वजह से हम घर में आराम से सोते हैं, आराम से हमारे बच्चे रहते हैं, क्या धिक्कार है अच्छे समाज को, धिक्कार है अच्छी राजनीतिक पार्टियों को जो न्याय की बात ना करता हो। सर लेकिन सुनने में आया है कि जो पुलिस अधिकारी हैं या जो जो पुलिसकर्मी हैं जिनको चोट पहुंची इन तमाम झगड़ों के अंदर, उनके लिए भी कुछ रियायत की गई है, कुछ आदेश किए गए कि उनको कुछ पैसा मिलेगा, कुछ कंपनसेशन मिलेगा। आप देखिए, बिना इन्वेस्टिगेशन के पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। जी जी, ये कहाँ का न्याय है मुझे बताइए आप। जी, मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक आइडियल माना जाता हूँ समाज के लिए, मैं उस बच्चे को, मेरे दर्द हो रहा है, मुझे रोना आ रहा है 4 दिन से इस झंडे के लिए जिन्होंने अपने आप को कुर्बान रोड पे पड़े हैं। कोई एक दिन, मैं शिक्षकों को भी यही बात कहता हूँ, एक दिन 24 घंटे की ड्यूटी करके देखिए, रात को 1 बजे गुंडों से, पुलिस से वहाँ पे होंगे, ये समाज नहीं। यहाँ पर आप देखने वाली बात यह है कि दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो है यहाँ के सिविल लोग भी कहीं ना कहीं बिल्कुल सपोर्ट में खड़े दिल्ली पुलिस की, क्योंकि दिल्ली पुलिस की छवि कहीं ना कहीं ज़्यादातर बहुत साफ सुथरी रही है। ज़्यादातर मामलों में कई जगह डिफेंस में दिल्ली पुलिस ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया और कई पुलिसकर्मी शहीद भी उन योगदानों के अंदर। उन्हीं तमाम चीज़ों को याद करते हुए आज कहीं ना कहीं ये कैंडल मार्च चलाया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो अभी इन तमाम हादसों के अंदर जो पिछले 4 दिन से कंट्रोवर्सी चल रही है दिल्ली के अंदर, 30,000 से एक शुरुआत हुई थी, उस शुरुआत को अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहे। पहले यूनिटी बनाई वकीलों ने और वकीलों की यूनिटी के बाद अब लगातार आप पुलिसकर्मियों की पहली बार इतनी बड़ी यूनिटी। सवाल यहां पर यह भी बनता है, यदि पुलिसकर्मी और दिल्ली के हाईकोर्ट, उनके वकील और पुलिसकर्मी और पुलिस का अधिकारी अगर शासन का ये बड़ा पिलर अगर बैठ जाता है तो जाहिर सी बात है पूरी दिल्ली का ठप होना लाजमी है। अब कब तक ये अधिकारी एक सही निर्णय निकालते हैं, देखने वाली बात होगी। और भी यहाँ पर लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं? पुलिस वाले कभी दूसरों के रैली रोकने में
में ही कोशिश किए हैं हमारे कम हमारे लिए कभी हम लोगों ने स्ट्राइक नहीं किए, आज भी स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं, हम बैठे हमारे मांग रहे हैं, हमारी डिग्निटी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देख रहे हो देश की राजधानी है, अगर यहाँ छोटी सी भी पत्थर पड़ती है तो पूरे वर्ल्ड के लिए सुनाई देता है, उस डिस्ट्रिक्ट को उस राज्य को संभाल रहे हैं। हमारे बच्चे कब बड़े हो जाते पता नहीं लगता, हमारे लिए 18 घंटे 16 घंटे से कभी कोई ड्यूटी नहीं करने देते, सब ड्यूटी करते हैं, इतना होते भी हमारे कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं एक हमारी सम्मान हो, सम्मान के साथ यूनियन हो तो आज वकील हमारे ऊपर हाथ नहीं उठाते, क्योंकि उनको भी पता होता था हमारे भी पूछने वाले, हमारे भी मान रखने वाले कोई पूछने वाले कमिटी है, हमारे पास अभी कोई नहीं है, सब हमारे ऊपर अफसर है, अफसर की वजह से हम डरना भी पड़ता है, नौकरी भी करना पड़ता है, इस वजह से चुपचाप 70 साल से पेट के अंदर रख के चल रहे थे। आज लोगों ने हिम्मत किया आगे आने के लिए। लेकिन सर आज पूरे वर्ल्ड के हर देश के अंदर दिल्ली से एक बड़ा मैसेज जा रहा है आपकी यूनिटी को लेकर, कि आज पहली बार दिल्ली पुलिस ने इतना बड़ा आक्रोश इतना बड़ा वो दिखाया, आपको क्या उम्मीदें लगती हैं कि आफ्टर दिस यूनिटी कि क्या फैसला आएगा सर आपके, क्या उम्मीदें लग रही हैं? सब कुछ फैसला आएगा हमारी तरफ ही आएगा, हमारी तरफ ही आएगा। देखिए बिल्कुल 16 घंटे की ड्यूटी, और इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम कैमरा पर्सन से लगातार कहेंगे कि लोग बाग यहाँ पर दिल्ली पुलिस अधीक्षक यहाँ पर बिल्कुल बैठ गए हैं और यहाँ पर अधिकारी बिल्कुल सामने हैं और अभी कोई फैसला लेकिन नहीं हो पाया, जिसके सर ये कब तक सर मामला जो है शांत हो पाएगा सर? जी बिल्कुल, जो उनकी मांगे थी उसमें सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ने उनको एड्रेस किया, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब ने भी एड्रेस किया, जो भी उनकी डिमांड है उनको हम लोग सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं और देख रहे हैं, और इसी आश्वासन के साथ और जैसा आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस डिसिप्लिन कोर्स है, तो अब हमने उनके ड्यूटी पॉइंट्स भी जो लोग भी अपने घर से आए वहाँ और उन्हें तमाम व्यवस्थाएं जो है पूर्ण रूप से वापस उसी तरह सुचारू हो गई है। आईटीओ का रोड खोल दिया गया, हम कैमरा पर्सन से दिखाएंगे कि आईटीओ का रोड खोल दिया गया, यहां पर सुचारू रूप से जो है वाहनों का आना जाना शुरू हो गया है और तमाम जो है अब आला अधिकारियों ने माननीय डीसी साहब ने भी यहां पर जो है स्पष्ट करा और आने के बाद सभी को जो है आश्वासन दिया और आश्वासन के बाद लगभग काफ़ी भीड़ खत्म हो गई है। अब आने वाले समय में ये तमाम बातें क्या रुख लिखती हैं ये आप देखने वाली बात हो गया। बने न्यूज़ ऑफ इंडिया ट्रू के साथ कैमरा पर्सन शुएब के साथ पत्रकार फुरकान सलमानी, आईटीओ। आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ इंडिया ट्रू, सच्चाई का।